Hi everyone, hey guys, welcome back, welcome to the class. This is me, Avi Arora, your maths educator. So, कैसे हैं बच्चे सब लोग? How is everyone? So, let's start with the class. Trigonometry का lecture number 2 आज करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि trigonometry जो है सबसे ज़्यादा important chapter class 11, 0, 12 के लिए हर जगह. Performance week ही बहुत सही. हाँ. So, हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं, हर जगह आपको बताइए मैंने इसके एप्लीकेशन यूज होते हैं. So, बच्चों आज भी हम इस चैप्टर को पढ़ा कंटिन्यू करने वाले हैं. आप लोग भी लास्ट में कह रहे थे सर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है चैप्टर, बड़ा मजा आता है, ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है. तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको नेकी से पढ़ाने वाला हूँ. लास्ट टाइम जब मैंने ट्रिको पढ़ाया था तो मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि जनरली स्कूल में इसके क्वेश्चन या सीबीएसई में से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसका ज्यादा रोल भी नहीं आता और ज्यादा इसके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं है. बट इस टॉपिक की अगर आप समझ है तो आपको बाकी टॉपिक्स में अच्छा समझ में आता, अच्छा इजीली आपके अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ग्राफ्स के ऊपर बात करने वाले हैं. तो सारे बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और एक अमेजिंग सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं. रेडी हो गए सब लोग? आर यू गाइस रेडी? हाँ बच्चा लोग बढ़े आगे बढ़े. बोलो जी स्टार्ट करें फिर लेक्चर को, है ना. So, welcome to class. This is me, Avi Arora, your maths educator. I've been teaching students for more than 6 years now. Taught more than 10,000 students for various exams, which include JEE, Olympiad, CBSE, and many more exams. Now, guys, make sure आप हमारे साथ आके प्लस पे तैयारी करो and use my referral code AVEE10 and get 10% discount on plus subscription. Moreover, you can just use benefits of plus of various benefits of plus हम आपको बताने वाले. And guys, this is the Telegram group जिसका link आपको description के अंदर मिल जाएगा. Make sure आप लोग Telegram पे हमको join कर लें ताकि आपको सारी updates मिलती रहे, सारे class notes की PDF मिलती रहे. ठीक है, और आफ्टर आवर फीचर में आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं एंड आपको उसका हाई क्वालिटी सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो फॉर्म में. ठीक है, एंड अभी कॉम्बैट के बारे में आपको बताया था, ये ऑफर भी चल रहा है बट ये ऑफर अभी नहीं है. ऑफर हैज बीन फिनिश्ड. हां अभी कॉम्बैट है इस 10th अक्टूबर को कॉम्बैट है. मेक श्योर आप लोग उसको जरूर दें. कॉम्बैट इसमें आपको बेसिकली 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, 60 मिनट्स मिलते हैं और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने के चांस है बच्चों के पास. एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है. मेक श्योर आप इसको जरूर दें. एंड दीज आर आवर अपकमिंग बैचेस जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, फोकस बैचेस फॉर ऑल द स्ट्रीम साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करें बच्चों. शैल वी स्टार्ट विद द क्लास? बोलो जी स्टार्ट करें. अरे यार पीयूष मैंने अभी तक डाला नहीं है यार स्ट्रेट लाइंस के, मैं अग्री करता हूँ शीट्स अभी डालते हैं, डालेंगे पढ़ लिया मैंने चैप्टर. ठीक है चलो स्टार्ट करें क्लास को. अभी ट्रिग्नोमेट्री चलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो. ठीक है एंड में डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में. चलिए आइए तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं. ठीक है तो बेसिकली लास्ट क्लास में तो मैं सिर्फ एंगल्स के बारे में बात कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट कर ही नहीं. आज स्टार्ट करेंगे, पहले तो बात करते कितना हमें टेंथ में याद था. एक बार 10th वाली सारी चीजें रिकॉल कर लेते हैं. सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, फिर इनके रेसिप्रोकल्स कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स. ये पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके. बोलो क्लियर है? ठीक है इनके इनके सारे फॉर्मूले, हाँ जी याद है कि नहीं याद है? क्लास 10th में फॉर्मूले पढ़े थे इनके, कोई राइट ट्रायंगल के लिए इनके फॉर्मूले याद है कि नहीं? हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, एक ट्रिक पढ़ी थी ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर मेरी वाली पिंकी ब्लैक पहन के हैप्पी हुई बहुत. आप ये वाली भी यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली आपको ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए फॉर राइट एंगल. ठीक है
अच्छा तो अब पता है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? अगर आपको याद है तो एक टेबल बनाया करते थे, है ना, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। तो आपने नोटिस किया बच्चों उन एंगल्स के बारे में कुछ? क्या आपने उन एंगल्स के बारे में कुछ नोटिस किया? क्या पढ़ा था हमने उन एंगल्स के बारे में? वो एंगल्स कैसे हैं सारे? ये जो एंगल्स हैं ये कैसे सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। तो अब आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारा एंगल जो है वो एक्यूट ना हो, वो ऑब्ट्यूज हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 1,000 हो, 5,000 हो, 2 करोड़ हो, तो क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी अब डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लो हमारे एंगल्स जो है, जिस एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर ऑब्ट्यूज हो या फिर नेगेटिव हो, तो क्या? ठीक है, आगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कैसे करोगे अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूज है। तो बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आपने ऐसे राइट एंगल ड्रॉ कर, हर बार नहीं करते, आपको बस फीलिंग के लिए बता रहा हूँ करना क्या होगा। ठीक है, सो अगर मान लो दिस एंगल इज थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अब अगर मान लो इसके लिए साइन की वैल्यू चाहिए, ये ऑब्ट्यूज है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो चीजों का रोल होता है। एक होता है साइन कन्वेंशन कि हमें कौन से किस किस की वैल्यू कितनी बड़ी है, हम वेरियस वैल्यूज के लिए वेरियस साइन कन्वेंशन करते हैं, उसको पढ़ाऊंगा आगे। और दूसरी चीज हम इसके करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते होते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉ करते हैं। बेसिकली हम इस थीटा को इस थीटा के लिए सॉल्व कर रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने की बात यह है कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी सुना रहा था, सुनने कहानी, एक बहुत ही काम की और इंपॉर्टेंट कहानी सुना रहा था, सुन लो सारे बच्चे। कहानी क्या, कहानी बस इतनी सी है कि एक ये हमने वाई एक्सिस लिए, ये है वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये है माइनस वाई, ये है एक्स और ये है माइनस एक्स। तो कहानी क्या बोल रही है कि इस एक्सिस के अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के प्लेन के अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ करके इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर ओरिजिन पे। दूसरे किस क्या पता है इसके बारे में, इसका रेडियस जो एक यूनिट का, बोलो ये हमारी है। तो कहानी कहती है कि हमने एक एक्स वाई प्लेन के अंदर एक सर्कल रख दिया, सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है और सर्कल का जो रेडियस है वो एक यूनिट का। तो एक बात बोलता हूं, अगर समझ में आए तो मुझे चैट में बताओ क्या है वो बात, कि अगर मान लो मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, ध्यान देना चाहिए, ये बन गई हाइट एच लेते हैं इसको, ये बेस, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस, ये तो बनी है हाइपोटेनस है, तो माने ध्यान से देखो इसको, क्या मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एच अपॉन वन। ठीक है, और दूसरी बात जो कॉस थीटा है वो बेस अपॉन वन में आएगा, तो कॉस थीटा कितना आएगा, बी अपॉन वन। बोलो ये क्या समझ में आएगा, ये स्टेप समझ में आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ एच। ठीक है, बोलो ये समझ में आया। अब देखो ना वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये एच है और ये बी है, ये कोऑर्डिनेट भी तो एच कॉमा बी है, बी कॉमा एच है, बी कॉमा एच है, ये कोऑर्डिनेट भी तो बी कॉमा एच है। बोलो तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोलो ये समझ में आई बात कि नहीं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है। बोलो कितने बच्चों को क्लियर,
इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो cos थीटा कॉमा sin थीटा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? जैसे हम ये समझ जाते हैं ना तो हमें वेरियस वेरियस एंगल्स के लिए सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। बोलो क्लियर है? समझ गए ये बात? ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे ही पता लगा गया इसके कोऑर्डिनेट्स p sin थीटा कॉमा cos थीटा है, तो अब हम रॉड को घुमा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, एक यूनिट की रॉड है, सेंटर पे है, घूमे जा रही। स्टार्ट करते हैं घूमने से। इनिशियल पोजीशन जो है इसकी वो x एक्सिस पे है, इनिशियल पोजीशन जो है वो x एक्सिस पे है। ये टेबल बना लो, हमें टेबल को फिल करेंगे, सब लोग ये टेबल बना लो। पहले हमने 0 30 45 60 90 तक पढ़ी थी, आगे हम तीन वैल्यूज के लिए और पढ़ रहे हैं। अब हम तीन वैल्यूज के लिए और पढ़ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा ये वैल्यूज क्यों होती है। ध्यान देखना बच्चों, ध्यान देखो। सबसे पहली चीज, ये जो कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा कॉमा sin थीटा है। जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, क्या मैं कहता हूं थीटा जीरो है। जैसे ही इसने घूमना स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन पे, थीटा जीरो है, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या मैं कहता हूं, देखो लेंथ 1 है, क्या मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट्स 1 कॉमा 0 है। x कोऑर्डिनेट cos थीटा है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा है। cos sin 0 0 cos 0 1, sin 0 0 cos 0, और tan क्या होता है, दोनों का डिवीजन, तो ये भी जीरो। इस तरह हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज। sin 30 ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बाकी आप इसको फिर से निकाल सकते हो। ये वैल्यू आती है 1, ये वैल्यू आती है √3/2, और ये वैल्यू आती है 1/√3। अगेन अगर आप 45 के लिए निकालेंगे, ये है 1/√2, ये भी 1/√2, ये भी 1, ये 1। पाई बाय 3 के लिए निकालोगे, ये √3/2, ये 1/2, और ये आ जाएगा √3। पाई बाय 2 के लिए निकालोगे, ये 1, ये 0, ये नॉट डिफाइंड। यहां तक निकाल लो, फिर आगे वाले लिख लो, यहां तक सारे नोट कर लो, फिर हम आगे वाले तीन समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने ये सारा किया। हां जी, यहां तक नोट कर लीजिए, सब नोट कर लो यहां तक, फिर हम आगे वाली वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए हमने ये सारा किया है। देखो पाइप पे वैल्यू निकालनी है, पाइप पे, तो पहली बात ये समझते हैं कि पाइप पे ये जो कॉर्ड है कहां घूम रही है, ये जो रॉड है ये कहां पहुंचेगी। पाइप मींस 180 डिग्री, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 180 डिग्री पे इस लाइन सेगमेंट या फिर इस रॉड की जो पोजीशन है वो ये हो, जब इसका एंगल इतना -1, -0। आप डिवाइड करो दोनों को, अगेन सॉरी हाँ, तो cos उल्टा लिख दिया मैंने, sin थीटा 0 cos थीटा 1 माइनस, ये मैंने उल्टा लिख दिया। तो cos थीटा माइनस 1 sin थीटा 0, तो ऑब्वियसली tan थीटा में 0 हो जाएगा इनका डिवीजन। अब 3 पाई बाय 2 पे यहां पहुंच जाएंगे, ये पूरा पाई और pi by 2 ऐड कर दिया, 3 pi by 2 पे यहां पहुंच जाएंगे। इस पे वैल्यू कितनी आ गई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा -1। अब y -1 हो गया, x 0 हो गया, तो x होता है cos थीटा, ये 0, ये -1, और ये नॉट। और फिर जब 2 pi मतलब पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन वापस यहां आ गए, फिर से 1 कॉमा 0 पे 0 वाली वैल्यू आ जाएगी, 0 1 0, समझे कि नहीं समझे, ये वैल्यू निकाल के हमने सारी। इस तरह हम 90 से 40 पे वैल्यू निकाल देते हैं। आप इस टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टेबल हम अच्छे से यूज करेंगे, इस टेबल को नोट कर लो, इसके अंदर बहुत चीजें निकल के आने वाली है। इस टेबल को नोट कर लो, इस टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी, नोट कर लीजिए इस टेबल को, फिर आगे बढ़ते। हाँ जी, नोट कर लो इस टेबल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कर लिया, चले आगे। अब देखो साइन कन्वेंशन के बारे में बात, तो बेसिकली हो क्या, हो क्या, मैंने आपको बताया साइन थीटा जो है, कॉस थीटा जो है,
वो एक्स कोऑर्डिनेट है और साइन थीटा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। अब आप खुद सोचो, हमने कहा था कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट है, साइन वाई कोऑर्डिनेट है, तो खुद सोचो ना यहां पर क्या दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, तो कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा भी पॉजिटिव। समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला, एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर अब बेस होने वाला, साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। x कोऑर्डिनेट cos थीटा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, मतलब कि cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा पॉजिटिव। बोलो ठीक है, इस तरह सबकी वैल्यू निकालते हैं, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगले क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, sin थीटा नेगेटिव, cos थीटा भी नेगेटिव, अगले वाले में cos थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव। बोल समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने ये इन चारों क्वाड्रेंट में हमने सबकी वैल्यू निकाली। अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान रखना हमको टैन पता है, कॉस एक्स एक्स तो पता है, इनकी फॉर्म में टैन का डिवीजन होता है वो पॉजिटिव आएगा, साइन बाय पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आते हैं, यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव। यहां पर क्या है, यहां पर साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों का जो डिवीजन है दैट इज टैन, टैन पॉजिटिव और टैन का उल्टा कौन है कॉट, कॉट भी पॉजिटिव, और यहां पर साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव, तो यहां पर कॉस पॉजिटिव और cos का उल्टा sec पॉजिटिव। तो इसके लिए भी हम एक रूल फॉलो करते हैं, वो है a s t c रूल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। a स्टैंड्स फॉर ऑल, s स्टैंड्स फॉर साइन, t स्टैंड्स फॉर tan और c स्टैंड्स फॉर cos। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस, ये है एएसटीसी रूल। इसको आप याद करने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स आप यूज कर सकते हो, एक है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, और एक यूज कर सकते हैं बच्चे ऑल सिल्वर टी कप्स, और बहुत सारे हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग बताएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली पूरा याद है, बहुत अच्छी बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये समझ आती है? तो ये इसको बोलते हैं हम साइन कन्वेंशंस, हमें पता होना चाहिए भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, बस कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, ये इसको पता है, उसे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है। हाँ जी, समझ में आ गई मेरी बात, आगे बढ़ते उस पर चले। अब बात करते हैं नेगेटिव एंगल्स की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिंपल सी ट्रिक, सोचना ही इसके बारे में ज्यादा, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, अब खुद सोच लो ना, नेगेटिव एंगल का मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो नेगेटिव, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है, मतलब कि साइन माइनस थीटा, नहीं 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं चलेगा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, बस ध्यान रखना कॉस के अंदर अगर माइनस है तो प्लस निकल जाएगा, बाकी सब में टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, फिर कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा, अब जो कॉस करेगा सेक में सेक तो फॉलो करेगा, तो ये बन गया सेक थीटा।
और फाइनली cot माइनस थीटा विल बिकम माइनस cot थीटा, ये हो गया। ये है फोर्थ पॉइंट। हाय जानवी, वेलकम टू क्लास बच्चे, देखिए आना चैट तुम्हारा, समझे कि नहीं समझे, ट्रिग्नोमेट्रिक बताओ क्लियर है, यस और नो, ठीक है नोट कर लो इसको। अभी करेंगे इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अभी करेंगे इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अभी इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे हम। स्कूल वाले दे रहे हैं आईटीआई की 2.2 यार, वो सिलेबस तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं यार, बात कर लो भाई, क्यों दे रहे, पूछ लो उनसे क्यों दे रहे। चलो आगे बढ़े, अब बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में, साइन ग्राफ। मेरे ख्याल से सब बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री एक बार पढ़ रखा है, क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस सिलेबस आया था तब तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके चैप्टर थे, राइट, तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बट ये एक चीज है जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते। सो ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ सबसे इजी वाला, ये तो आना चाहिए। तो बेसिकली इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करो, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, ये टू पाई। आइए ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, पहले पाई पे जाएगा और फिर लौट के टू पाई पे आएगा। अब ये सेम साइकिल चलती रहेगी, इधर चलती रहेगी, कब तो जाएंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास खास बातें। सबसे पहली चीज साइन थीटा, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन मतलब आप एक्स को क्या क्या रख सकते हो, कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, एक्स को क्या क्या डाल सकते हैं, कोई भी एंगल डालो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर। अब क्या हो रहा है, वो पाई बाय टू पर वैल्यू उसने दी वन, और पाई टू उसने दे दी जीरो, और थ्री पाई बाय टू पर माइनस वन दे दी, तो बेसिकली इसकी रेंज है, अब उसमें घूमता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, माइनस वन से वन, रेंज है वो है माइनस वन से लेके ऊपर, ठीक है। ये साइन की डोमेन, साइन की डोमेन और रेंज, फिर वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का भी ग्राफ काफी हद तक सेम साइज होता है, बस थोड़ा लेफ्ट में किसका होगा, ठीक है। तो अगेन फिर से पाई बाय टू कमी लेंगे, ठीक है, ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया पाई, ये हो गया थ्री पाई बाय टू, और ये हो गया ऊपर, ठीक है। तो जीरो पे वन है और पाई बाय टू पे जीरो है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता, ऐसा दिखता है, और फिर वही सेम टाइम होती रहेगी, सही साहब, सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। अगेन ये वन है, ये माइनस वन है, तो इसकी डोमेन जो है वो है आर, और रेंज जो है अगेन माइनस वन से वन, बोथ इन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्लास तो हो चुकी है, वो क्लास ट्वेल्थ में है, मैक्सिमम मिनिमम क्लास ट्वेल्थ में, क्लास कितनी बार हुई है, 50 बार दे चुका हूं कम से कम, रिवीजन प्री रिवीजन क्लास और ओरिजिनल क्लास में कराया था, उसके बाद टेस्ट हो गए, एमसीक्यू हो गए, कितनी बार तो हो गया है, चेक कर लेना पुरानी, कम से कम 5-6 वीडियो मिल जाएंगे मेरे वीडियो, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड आते हैं हम टैन के ऊपर, टैन का ग्राफ, टैन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिंदी में फो देखा है, फो उसको उल्टा करो, अगर हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी का फो जो है उसको उल्टा करो, ठीक है। देखो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू और ऊपर, आपने नोटिस किया होगा साइन का फंक्शन टू पाई के बाद सेम रिपीट हो रहा है, मैंने टू पाई तक बताया था, कॉस का फंक्शन जीरो से लेकर टू पाई बताया था, टू पाई के बाद वो सेम रिपीट होगा, टैन की बड़ी अच्छी बात है वो पाई पे रिपीट होना चालू कर देगा, तो जीरो पे वैल्यू जीरो, पाई बाय टू पे नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी आता है, एकदम ऊपर की तरफ भाग जाता है पाई बाय टू, फिर वापस स्टार्ट करता है जीरो पे, पाई पे जीरो पे वापस स्टार्ट करता है माइनस इन्फिनिटी से, पाई पे जीरो जाता है और थ्री पाई बाय टू पे
इन्फिनिटी चला जाता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर कोशिश करता है, फिर जाता है 2π/0 और फिर इन्फिनिटी चला जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा ग्राफ, इसके इधर भी ऐसा, इसके इधर भी ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ है tan x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y x इक्वल्स टू tan x। अब इसकी डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, लेट्स सी अगर बच्चे मुझे इसकी डोमेन और रेंज बता पाएं। गाइस, व्हाट डू यू थिंक ए शुड बी डोमेन ऑफ tan x? पढ़ रहे हैं ना सब, हाँ जी, डोमेन की tan x की डोमेन, हाँ बच्चा लो, tan x की डोमेन कितनी बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x? देखो ना यार, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी जा रहा है, सो रेंज डोमेन की बात कर रहे हैं, सो डोमेन, आप डोमेन क्या, tan x क्या, sin x अपॉन cos x। अगर आपको पता है डोमेन निकालने गोल्डन रूल्स दो, तो एक उसमें था कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, cos x, तो cos x जीरो नहीं हो सकता। और एक और काम की खास बात बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको एज अ ट्रिक बता देता हूं, क्या है ट्रिक, कभी कोई बोले कि sin x जीरो है, समझ जाना x जो है वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, मतलब कि 2n पाई बाय 2, या फिर 2 कैंसिल करके n पाई। और कोई बोले cos x 0 है, मतलब और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, और अगर cos x को 0 कब है, तो x कितना होता है, और मल्टीपल्स, और मल्टीपल्स 2n प्लस 1 पाई बाय 2, समथिंग टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। sin x 0 n pi, cos x 0 2n plus 1 pi by 2, ये क्या है, ये तो cos x, ये क्या है, ये cos x, मैंने कहा denominator 0 नहीं होना चाहिए, मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ चलेगा पर 2n plus 1 pi by 2 नहीं चलेगा, मतलब कि और multiples of pi by 2 नहीं होने चाहिए, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गई इसकी डोमेन, और रेंज के बारे में अगर हम बात करें, तो रेंज के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो रेंज जो इसकी है वो आर है, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स, ये होगी डोमेन, ये हो इसकी डोमेन, और ये नेक्स्ट, इस तरह से कॉर्टेक्स का ग्राफ भी ड्रॉ हो जाता है, कोसिकेंट का और सिकेंट का, ठीक है, वो आप लोग को ट्राई करें, क्लियर। चलो आओ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन, ठीक है, डोमेन रेंज के ऊपर तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, सबसे पहले बात करते हैं साइन 2x, साइन 2x की डोमेन क्या होगी, अगर साइन x ही पता है ना तुमको, r तो साइन 2x की डोमेन क्या होगी, अगर साइन x की r है तो 2x की क्या है, साइन के अंदर आपको रियल नंबर अलग है, तो 2x की भी क्या होगी, r होगी, 2x है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा, और इसी कारण x भी जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है, ये साइन 2x की हो गई। अब cos 2x सेम वे पढ़ते हैं, और थोड़ा ट्विस्ट आते कहानी में, साइन अगर मान लो किसी ने पूछा 5x प्लस, अगेन डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, सब कुछ भी डाल दो ना साइन के अंदर, ध्यान रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कॉमनली आस्क्ड है कि साइन के अंदर कुछ डाल देंगे, बोलेंगे बताओ इसकी डोमेन क्या, जब तक डिनोमिनेटर नहीं हम सेफ है, उसकी डोमेन जो आती है वो आर ही आती है, ठीक है। हो सकता है इस तरह से बन गया साइन ऑफ मॉड, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है।
फिर आते कुछ रेंज के प्रॉब्लम्स. फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. रेंज में आता है कुछ इस टाइप के फंक्शन. साइन एक्स पे मॉड लगाते हैं, साइन एक्स पे मॉड लगाते हैं, मतलब इसकी डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन और रेंज. सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक की अगर डोमेन निकालना चाहते हो, सिंपल सा फंडा है, वो सारी वैल्यूज हटा देना जहां पर साइन सेक, कॉसेक के केस में साइन जीरो हो रहा है और सेक के केस में कॉस जीरो हो रहा है. ठीक है, चलो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स. तो ये मॉड्यूलस लगा हुआ है अगर साइन एक्स से होता है, इसकी रेंज होती है माइनस वन से वन. जैसे ही आपने मॉड्यूलस लगाया, नेगेटिव वैल्यू हट गई है, सिर्फ पॉजिटिव बचेगी. तो मॉड साइन एक्स कहां से कहां आएगा, जीरो से. दिस इज द रेंज ऑफ मॉड साइन एक्स. इस तरह से हम निकाल सकते हैं रेंज ऑफ टू साइन एक्स. टू साइन एक्स, इसकी बताओ रेंज कितनी आएगी. अब साइन एक्स क्या है, माइनस वन से वन. साइन एक्स क्या है, माइनस वन से वन. तो टू साइन एक्स क्या होगा, माइनस टू से टू. इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, माइनस टू से टू. और क्या बनता है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स. तो स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, सेम मॉड वाला फंडा है. तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, जीरो से वन. इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं. टू टैन एक्स की, टैन स्क्वायर एक्स की, सेक स्क्वायर एक्स की. तो ये सब चीजें आ सकती हैं एग्जाम में डोमेन और रेंज के ऊपर. ठीक है, तो ग्राफ्स में इतना ही फंडा है. कोई डाउट तो पूछ लो. इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क. ठीक है, तो ये है ग्राफ्स के अंदर जो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, ये सारी बातें ग्राफ के अंदर हमें पता होनी चाहिए. अब नेक्स्ट क्लास में हम राइट एंगल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. विल स्टार्ट विद द राइट एंगल्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं. तो आज का इतना रखते हैं बच्चों, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. ठीक है, नाउ मेक श्योर आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस पे अटेंड करें. आप लोग हमारी क्विज़ेस को भी अटेंड करो, ऐप को डाउनलोड करो, गो टू प्ले स्टोर, ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके इंस्टॉल कर लो, लॉगिन कर लो, आपने डिटेल्स डाल देना उसमें. और फिर आप पेड फीचर्स को, फ्री फीचर्स को भी बहुत आराम से यूज कर सकते हैं. पेड फीचर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे, तो बच्चों के सारे चीजें मिलते हैं आपको. घर बैठे लाइव क्लासेस, मेंटरशिप गाइडेंस फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैच फॉर्म पढ़ने का मौका. और ये सब आपको मिलता है 20,000 रुपीज फॉर 18 मंथ्स. ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. अभी ऑफर भी चल रहा है आपको, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विद ABEE, तो आपको ABEE10 आपको मिलता है 10% डिस्काउंट एज वेल. ठीक है, आइकॉनिक में आप ज्वाइन कर सकते हैं. आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही में यू गेट अ पर्सनल मेंटर जो आपकी लाइफ डाउट सॉल्विंग का ध्यान रखते हैं. आपकी वीकली रिपोर्ट होती है, आपकी स्टडी प्लान होता है, आपको मिलता है, आपको पेरेंट क्रेडिट होता है रेगुलर आपके. एंड उसकी प्राइसिंग है बच्चों 32,000 फॉर 18 मंथ्स. एंड अगर आप अगेन मेरा रेफरल कोड यूज करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा ABEE10. और डाउट क्लियरिंग सेशंस और वगैरह बहुत सारी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल क्लासेस में. स्पेशल क्लासेस के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करके गोल सेलेक्ट करना है क्लास 11th, और मेन्यू में जाके स्पेशल में जाके इनवाइट कोड डाल देना. एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय दीस फीचर्स इन द क्लास, लाइव क्लासेस, यू कैन आस्क डाउट इन द क्वेश्चन टैब, लाइव पोल ऑप्शंस, पोल लीडर बोर्ड, ये सारी चीजें आपको मिलती है अगर आप ज्वाइन करते हो. एंड एनी क्वेश्चंस. ठीक है, that's all from my side. I hope you really enjoyed the class. Make sure you like and share it with your friend. Subscribe karna na bhule. And that's all from my side. That's it, guys. Let's see you next time. Bye, everyone. Take care. Let's start it.